फ्रेंड्स, सर्दी आ चुकी है और गर्म पानी के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप एक अच्छा गैस गीजर ढूंढ रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जो गैस गीजर हम यूज कर रहे हैं 3 महीने से, आज मैं आपको उसका रिव्यू देने वाला हूँ कि इसमें क्या खासियत है, आप इसको कैसे चला सकते हो, साथ ही साथ इसकी जो साथ में गारंटी वारंटी आ रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं बता देता हूँ, उसकी 2 साल की गारंटी है, हॉट ब्लो कंपनी का गीजर है। तो चलते हैं हमारे मोबाइल की बैक स्क्रीन की तरफ, यानी कि बैक कैमरे की तरफ। फ्रेंड्स, हमें इस गीजर को यूज करते हुए 3 मंथ हो चुके हैं और ये गीजर काफी अच्छा है। ये है ब्लो हॉट कंपनी का, जो कि काफी अच्छा गीजर है और हमने काफी टाइम से इसको यूज किया है, तो हमें पता ही ये कैसा होता है। अभी मैं इसकी खासियत और इसकी वर्किंग आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे चलाया जाता है, उसके बाद मैं आपको इसको प्रैक्टिकल चला के भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है विंटर और समर। आप अगर गर्मियों में इसको यूज करते हो तो आप इसको समर की साइड घुमा दीजिए, यानी कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अगर आप विंटर में इसको घुमाकर पानी गर्म करोगे तो पानी इतना गर्म आएगा कि उसमें से धुआं निकलते हुए आप देख पाओगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ ये मुझे लगी। उसके बाद में है वाटर फ्लो, इसको भी आप आराम से लेफ्ट और राइट घुमा सकते हो। मिनिमम में पानी एकदम स्लो स्लो आएगा और मैक्स में पानी काफ़ी ज़्यादा तेज आने वाला, तो ये भी काफ़ी सही ऑप्शन है इसमें। उसके बाद में आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है जिसमें से अभी स्टिकर हट चुका है और यहाँ पर भी था गैस का, गैस को लो करना है या हाई करना, तो अभी हमने मैक्स कर रखा है, यानी पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है। उसके बाद में आपको एक यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है जिसमें लाइट जलती है रेड कलर की, इसमें आपको 2 सेल डालने पड़ते हैं जो कि इस प्रकार से घुमाने पर खुल जाते हैं और ये 2 सेल इसको आप इस प्रकार से अंदर लगा सकते हो। अभी हम इसको घुमा के वापस बंद कर देते हैं तो ये बंद हो चुका है। उसके बाद में आपको ये वाला नोजल मिलता है जो गैस सिलेंडर से अटैच रहता है, तो आप देख सकते हो गैस सिलेंडर लगा हुआ है और ये वाला नोजल है जो गैस को अंदर डालने के लिए आता है, जिसको हम इनलेट कहते हैं। उसके बाद में आपको ये वाला नोजल मिलता है जिससे पानी अंदर जाता है, यानी कि पानी का जो कनेक्शन हमने कर रखा है वो इसमें से पानी अंदर फ्लो होगा। और ये जो लास्ट वाला है ये है पानी आउटलेट, जो पानी आपको घर के अंदर सप्लाई मिलेगी, तो ये वाला काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। आप गीजर को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, यानी कि ये बैटरी खत्म नहीं होगी, बट यहाँ पर ऑन भी रखे तो भी आराम से बैटरी 5-6 महीने चल जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको चलाना काफ़ी ईजी है, आपको सिर्फ अंदर की टूंटी चालू करनी है, नल चालू करना है और ये अपने आप चालू हो जाएगा और आपको गर्म पानी मिलने लग जाएगा। अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये चालू होने के बाद कैसे दिखता है, तो अंधेरा होने देते हैं। ये है हमारे वाटर गीजर का जो नल है वो है, इसको हम डायरेक्ट ऑन करेंगे तो वाटर गीजर भी ऑन हो जाएगा और डायरेक्ट गर्म पानी आने लग जाएगा, तो इसको हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के 5 से 6 सेकंड के अंदर ये गर्म पानी देने लगेगा, अभी तो ठंडा है, अभी ये गर्म पानी आने लग रहा है और काफ़ी गर्म पानी आ रहा है, मैं हाथ इस पर टच नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी गर्म पानी आता है इसमें। और अब देख सकते हो धुआं निकलना भी चालू हो चुका है, शायद वीडियो में धुआं नहीं दिखने वाला, तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। इसमें आप आउटलेट है, इसमें आप स्टील या लोहे की टूंटी लगाए, प्लास्टिक वाली ना लगाए, नहीं तो ये पिघल के खराब हो जाएगी क्योंकि काफ़ी गर्म पानी आता है। अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक गीजर लेने के लिए तो मैं बता दूं आपको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा पानी गर्म होने का, बट गैस गीजर में आपको तुरंत 5 या 6 सेकंड में गर्म पानी मिल जाता है। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में गैस गीजर की, जो कि काफ़ी अच्छा गैस गीजर है, आप जरूर बाय कीजिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।